छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण विधेयक को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर 50% से अधिक का आरक्षण का बिल पेश कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल महोदया ने अभी तक इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। आखिर आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्या मुख्यमंत्री बघेल द्वारा भाजपा के द्वारा बनाए जा रहे दबाव की बात सही है या कुछ और? तो आइए जानते हैं स्वर्मी टाइम्स के साथ, मैं हूं सृष्टि पांडे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 10 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और ऐसा राजभवन के आला अधिकारियों ने 12 दिनों तक विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद किया है और इसके बाद विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को वापस नहीं लौटाया, जबकि इसकी जगह 10 सवालों की एक फेहरिस्त भेजी गई है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है और इन सब के जरिए राजभवन ने कुछ कानूनी सवाल भी उठाए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजभवन ने पूछा है कि क्या इस विधेयक को पारित करने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई डेटा जुटाया गया था? अगर जुटाया गया था तो उसका विवरण कहाँ है? उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में सरकार ने 8 सारणी दी थी और उनको देखने के बाद न्यायालय का कहना था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं किया गया है जिससे आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किया जाए। और ऐसे में अब राज्य के सामने ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे आरक्षण की सीमा 50% से अधिक की जा रही है? राजभवन ने यह भी पूछा है कि सरकार ये भी बताए कि प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग किस प्रकार से समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या आरक्षण पर चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल के सामने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50% से अधिक आरक्षण का उदाहरण रखा गया था, क्योंकि उन तीनों राज्यों ने आरक्षण बढ़ाने से पहले आयोग का गठन कर उसका परीक्षण कराया था। छत्तीसगढ़ ने भी ऐसी किसी कमेटी अथवा आयोग का गठन किया हो तो उसकी रिपोर्ट पेश करें। इसी के साथ राजभवन ने क्वांटिफायबल डेटा आयोग की रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए बने कानून में सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। तर्क है कि उनके लिए अलग विधेयक पारित किया जाना चाहिए था। राजभवन ने यह भी जानना चाहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति सरकारी सेवाओं में चयनित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। राजभवन ने सरकार से कई सारी चीजें पूछी है जिसमें सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की दक्षता का भी है। जैसा कि सरकार ने आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों को बताया है, वहीं संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अब राजभवन ने पूछा है कि सरकार ये बताए कि इतना आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता पर क्या असर पड़ेगा, इसका कहीं कोई सर्वे कराया गया है? विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा का कहना है कि विधेयक शुरू से ही फंसा हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने पर महाराष्ट्र के कानून को उच्चतम न्यायालय निरस्त कर चुका है। अभी भी तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक की 50% की सीमा को परीक्षण करने संबंधी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में राज्यपाल आसानी से विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने वाली। तो आइए जानते हैं आरक्षण को लेकर अब तक क्या हुआ है। 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में उच्च न्यायालय का फैसला आया। इसमें छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। शुरुआत में कहा गया कि इसका असर हुआ है कि प्रदेश में 2012 से पहले का आरक्षण रोस्टर लागू हो गया है, यानी एससी को 16%, एसटी को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग और एडवोकेट जनरल के कार्यालय से इस पर राय मांगी, लेकिन दोनों कार्यालयों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद 29 सितंबर की स्थिति में प्रदेश में कोई आरक्षण रोस्टर क्रियाशील नहीं है। आदिवासी समाज ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। सर्व आदिवासी समाज की बैठकों में सरकार के 4-4 मंत्री और आदिवासी विधायक शामिल हुए। लोक सेवा आयोग और व्यापम ने आरक्षण नहीं होने की वजह से भर्ती परीक्षाएं टाल दी। जिन पदों के लिए परीक्षा हो चुकी थी उनका परिणाम रोक दिया गया। बाद में नए विज्ञापन निकले तो उनमें आरक्षण रोस्टर नहीं गया।
सरकार ने 21 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का फैसला लागू होने से रोकने की मांग की। शपथ पत्र पर लिखकर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश में भर्तियां रुक गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हालात पर चिंता जताई, सुझाव दिया कि सरकार आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए अथवा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए। सरकार ने विधेयक लाने का फैसला किया। 1-2 दिसंबर को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा गया। उसी दिन राज्यपाल ने उसकी अनुमति दे दी और अगले दिन अधिसूचना जारी हो गई। 24 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव की हरी झंडी मिल गई। 2 दिसंबर को तीखी बहस के बाद विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया। इसमें एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% का आरक्षण दिया गया। जिला कैडर की भर्तियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय हुआ। ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% की अधिकतम सीमा तय हुई। 2 दिसंबर की रात को ही 5 मंत्री विधेयकों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे, जहां राज्यपाल ने जल्दी ही विधेयकों पर हस्ताक्षर का आश्वासन दिया। अगले दिन उन्होंने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात भी कही। उसके बाद से विधेयकों पर हस्ताक्षर की बात टलती रही। अब आगे ये देखना होगा कि राज्यपाल उइके संशोधन बिल पर हस्ताक्षर करती है या फिर मामला लंबित रह जाएगा। आगे की कार्यवाही को जानने के लिए जुड़े रहे स्वरमय टाइम्स के साथ।